फर्स्ट में इतना मैं आया कर दूध ले गया नहीं ये कारी था इसी तरह बयान और ट्रंक उसी तरह खुले आना ये जो सत्संग करते थे बैठ के ये आर्टिफिशियल हरामी हो यार आर्टिफिशियल देख के नहीं जो बहुत शोर वगैरह ये देखो ना पहुंचे सब ये सीपीओ भाई भी अच्छा करवा ने ये सारे उसे बड़े वस्तु निकले तो बाल कोंडे गए बाल कोंडे पर बार असन चाहिए पैसे लगाने तो सो मेरे के कोई चीज टूटी नहीं है बोला नहीं कल शादी थी उसके लिए घर गए तो वापस आए सुबह मेरा सरेजी आया वो देखने लगा अभी गेट का तो ताला बंद है पिछले गेट में आए पूरा ताला खुला हुआ है फिर फोन किया मैंने मैं जल्दी आ गई आगे देखें तो ना पैसा है ना कार्ड है ना कोई चीज़ घर में तो है ही नहीं है मैं इसलिए बच्चों के पैसे रख के अंदर गई थी मैं कल ज़मीन के पैसे देने तो आज संडे था कल इसलिए देंगे है ही नहीं कुछ कोई चीज़ अंदर में मिल रही नहीं कार्ड नहीं कंटीन कार्ड नहीं दूसरा आर्मी कार्ड नहीं एटीएम कार्ड नहीं है सब कुछ लेके चलेगी इतना मैं तुमसे पैसे लाए थे वो पैसे कौन देगा वापस किसने इतना काम किया एक दिन में तो सारा पैसा निकाल के लेके चलेगी और कुछ नहीं जेवर तो हमारा था ही नहीं वो घर में दलान है इधर है ही नहीं कुछ भी जो था तो लेके चलेगी सारा आपका नाम मेरा नाम मोहम्मद बशीर है मैं आर्मी से कैप्टन रिटायर हूँ अच्छा कौन सी वार्ड है ये वाली ये वार्ड नंबर 13 शीश महल मल्ला है तो बताएंगे सर यहाँ पे जो रात को एक चोर ने जो है चोरी का अंजाम दिया है तो क्या क्या आपका अंदर से चोर ने क्या क्या यहाँ पे चोरी से आपके घर से क्या क्या उठाया देखो यहाँ का जो मेरा भतीजा है वो आर्मी में सर्विस कर रहा है 2 जैकलाई में है वो अभी एक माउस सेंटर में सर्विस में उसके बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे कल आज संडे था रात को वो घर में गए तो यहाँ पे इतनी दहशत पड़ी हुई है इस समय पूरे मोहल्ले में क्योंकि आज तक यहाँ पे चोरी बहुत कम हो चुकी थी और दोबारा इस चोरी का इस तरीके का सिस्टम स्टार्ट हुआ है कि उस लड़के ने ज़मीन का पैसा 6.5 लाख रुपया लड़की ने बैंक से निकाल के रखा था 1.5 लाख रुपया करके 3-4 दिन से पूरा पैसा इकट्ठा किया था कल मंडे को ये पैसा देना था और पैसा यहाँ छोड़ के रात को शादी थी वहाँ पर घर में गाँव में उसमें चली गई तो वापस जब सुबह उसका सरेजिया यहाँ पर आया उसने यहाँ पे देखा कि मेन गेट जो है वो बंद था और अंदर के पूरे जितने भी ताले दरवाजे सब खुले थे तो यहाँ से लड़के का आर्मी का जितना भी डॉक्यूमेंटेशन था उसका जो आर्मी के साथ रिलेशन डॉक्यूमेंट वो सभी का सभी उसने निकाल लिया दूसरा जो बैंक स्टेटमेंट जितनी थी वो भी निकाल ली तीसरा 6.5 लाख रुपया एक जगह बैग में बक्से में रखा था बक्से का ताला तोड़ के वो बैग का बैग ले गया और 26,000 रुपया सराहने में रखा हुआ था बेड के वो 26,000 भी ले गया कोई सोना वगैरह सोना जो आर्टिफिशियल था कुछ और जो सोना नॉर्मल देखा उसने उसको छोड़ के चला गया 3-4 चीज़ें थी नॉर्मल थी वो वहीं पे छोड़ दी और कोई ऐसी चीज़ चोरी नहीं हुई इन डॉक्यूमेंटेशन और पैसे के अलावा ये चोरी हुई है यहाँ पे मल्ला पूरा दहशत में है तो आज इस घर में आप बताएंगे कि आप खुद एक फौजी हैं तो जिनका ये घर है वो भी फौजी हैं तो आप ज़्यादा बॉर्डर पे रहकर ही देश की रक्षा करते हैं तो आपके घरों का ये हाल हो रहा है तो इसमें आप SSP पुंछ से क्या कहना चाहेंगे हम SSP साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन SSP साहब के अंडर आती है और SHO साहब के अंडर आ जाती है और यहाँ पे जो हमारे DSP साहब हैं उनके अंडर आ जाती है कि यहाँ का रात को गार्ड करना या चक्कर लगाना या इस तरीके की करना हम बॉर्डर पर बैठे हुए हैं
हमारा ये जो हवलदार जी है वहाँ बॉर्डर पे बैठा हुआ है, यहाँ पे उसके बच्चों के साथ आज ये वारदात हुआ है घर में, कल बच्चों को भी कोई काटेगा और यहाँ के अगल बगल जितना भी दहशत पड़ा हुआ है ये सब डरे हुए लोग हैं कि आज एक फौजी के घर में ये हादसा हुआ, कल हमारे घरों में क्या हो सकता है। इसलिए हम यहाँ के SSP साहब ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ पे प्लीज़ मेहरबानी करके, यहाँ तो ये पहले तो हमारा ये हक फौजी का हक लाल का है, ये सच्चाई है, इसको आप बैंक से हम स्टेटमेंट निकाल के देंगे इस पैसे की, तो ये पैसा किसी भी तरीके से चोर को पकड़ा जाना चाहिए और इसका हक लाल का पैसा वापस मिलना चाहिए। दूसरा, ये जो हालात है यहाँ की सुधार में आना चाहिए, नहीं तो यहाँ के लोग जो हैं बहुत दहशत में पड़ गए हैं कि ये वारदात जो एक सैनिक के घर हुई है और हम जो आम लोग हैं हमारी क्या हालात होगी। ये मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन साहब से और मीडिया के थ्रू हमारा मैसेज पूरे यहाँ पे जितने भी है, जितने चैनल है, सब में ये मैसेज जाना चाहिए कि एक सैनिक की घर इतनी चोरी हुई है और वो हक लाल का पैसा लूट मार के लोग चले गए और ये वापस मिलना चाहिए। जय हिंद सर।